सरकार की सख्ती के बाद भी राजधानी में निजी अस्पताल की लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली के एक बड़े और नामी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शख्स के दाएं पैर की जगह डॉक्टर्स ने बाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया। दरअसल शालीमार बाग के एक बड़े हॉस्पिटल में पीड़ित अपने फ्रैक्चर पैर का इलाज कराने के लिए भर्ती हुआ था, जिस पर डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन में घोर लापरवाही बरतते हुए बाएं पैर में कील लगा दी। पीड़ित के पिता के मुताबिक उन्होंने इसकी शिकायत डॉक्टरों से की, जिस पर उन्होंने ऑपरेशन में लापरवाही की बात मानी है। वहीं पीड़ित के पिता ने अस्पताल के खिलाफ शालीमार बाग थाने में केस भी दर्ज करा दिया है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद उसको फ्रैक्चर था राइट पैर में और उन्होंने लेफ्ट पैर का उनके अंदर स्क्रू डाल दिया, और जब बच्चे को होश आया एंथीसिया के बाद तो उसने देखा मेरा फ्रैक्चर राइट में था और ये लेफ्ट में क्यों हो गया। फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि ऐसा कैसे हुआ, फिर उन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई और आप को हम इस पैर से निकाल करके दूसरे पैर में लगा देते हैं। फिर उस अस्पताल में मुझे भरोसा हुआ नहीं कि फिर बाद में पता नहीं क्या करेंगे ये। फिर हमने वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया और डिस्चार्ज ले करके दूसरे हॉस्पिटल में उनको एडमिट।